Dear students of class six, today I am going to start lesson number three of your English textbook. And as you can see, the heading of the chapter is a wise lesson. ठीक है? देखो, in a town on a remote, remote मतलब दूर का, ठीक है? दूर का. तो एक दूर की island में, island मतलब क्या होता है? द्वीप. एक दूर की द्वीप में a God fearing man मतलब भगवान से डरने वाला एक आदमी रहता था. एक शहर में. हुज वाइफ कुड नॉट हैव चिल्ड्रेन तो इस व्यक्ति की बीवी को काफी साल बच्चे नहीं हुए वन डे हव अवर शी बिकेम प्रेगनेंट एक दिन वो प्रेगनेंट हो गई प्रेगनेंट मतलब पेट से एक दिन वो प्रेगनेंट हो गई एंड हर हसबेंड रिजॉय सिंह मतलब खुशी मनाते हुए इन इज हार्ट एट द ग्लैड टाइडिंग्स मतलब खबर सेड यू विल गिव बर्थ टू अ सन हु विल बी द कम्फर्ट ऑफ अर सोल्स एंड द डिलाइट ऑफ आर हार्ट्स तो ये औरत ये ये आदमी एक दिन इसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई और उसके हस्बैंड खुशी मनाते हुए उसने कहा ये जो ग्लैड मतलब खुशखबरी थी इसमें खुशी मनाते हुए उसने कहा कि तुम एक बेटी के जन्म दोगे ये बेटा विल बी द कंफर्ट ऑफ आवर सोल्स मतलब ये हमारी कलेजे को ठंडा करेगा एंड द डिलाइट ऑफ आर हार्ट्स और अपने हृदय को खुशी से भर देगा डिलाइट मतलब खुशी आई विल एजुकेट हिम एंड ब्रिंग हिम अप वेल मैं इसको पढ़ाऊँगा और अच्छी तरह से बड़ा करूंगा एंड ही शेल इनहेरिट इनहेरिट मतलब मेरे संपत्ति और इनहेरिट माय गुड नेम एंड इंक्रीज माय रिनाउ तो वो मेरा जो अच्छा नाम है वो उसको मिलेगा और वो इंक्रीज करेगा मेरा जो अच्छी नाम है वो उसको और भी बढ़ाएगा दस पोक द हैप्पी पोटेंशियल मतलब होने वाला अभी तक हुआ नहीं था तो so, होने वाला जो फादर है जो खुश होने वाला पिता है वो इस तरह से अपनी बीबी से बात की बट इज वाइफ रिप्लाइड लेकिन उसकी बीबी ने जवाब में कहा यू स्पीक देखिए आप एक मूर्ख जैसे बात कर रहे हैं और मूर्खता से भरी जस्ट अः हाँ। तो देखो आप मूर्खता से भरी काम कर रहे मूर्खता से भरा बातें कर रहे हो यू स्पीक फुलिश वर्ड्स फॉर द फ्यूचर देखो भविष्य के बारे में आपको इज अनोन टू यू अनोन मतलब भविष्य में क्या होगा वो आप जानते नहीं है इसीलिए आप जो शब्द कह रहे हैं वो मूर्खता से भरा हुआ है हाउ डू नो दैट माई चाइल्ड बर्थ इज गोइंग टू गोवेल आपको कैसे पता कि जब मैं बच्चा जन्म दूंगी उस वक्त सब कुछ सही होगा एंड देन आई शल गिव बर्थ टू अ सन और फिर मैं बेटी नहीं बेटा का जन्म दूंगा दैट द चाइल्ड इज गोइंग टू लिव लॉन्ग कि ये बच्चा लंबा जिएगा एंड दैट इट इज गोइंग टू बी रोबस्ट रोबस्ट मतलब होता है ताकतवर और हेल्दी ठीक है तो आपको कैसे पता कि हम बेटा ही जन्म देंगे और ये बेटा लंबा समय जिएगा और वो ताकतवर और अच्छी स्वास्थ्य का अधिकारी होगा यू शुड नॉट हैव स्पोकन सच Idle वर्ड्स एंड बोस्टेड बोस्टेड मतलब घमंड करना ठीक है ज़्यादा अहंकार से बात करना तो आपको ये आइडल मतलब बेकार की आपको ये बेकार की शब्द इतने घमंड से कहना नहीं चाहिए था बट लेफ्ट everything टू गॉड आपको सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ना चाहिए था हु कंट्रोल्स आवर डेस्टिनी डेस्टिनी मतलब किस्मत क्योंकि भगवान ही हमारी किस्मत को नियंत्रण करते हैं इट मे बिफॉल यू एज इट सर्टेन दरविश तो अगर आप इसी तरह की पूर्वक बातें करेंगे तो आपके साथ भी वही हो सकता है जो एक बार विफल मतलब घटा एक दरविश के साथ देखो दरविश क्या होता है दरविश एक तरह के मुसलमान संत होते हैं जो सारा जिंदगी कष्ट और गरीबी में रहने की वादा कष्ट और गरीबी में रहकर भगवान के अल्लाह के नाम लेने की वादा करते हैं तो जब उसकी पति ने पूछा कि यह दर्विश के साथ क्या हुआ था तो उसकी बीवी ने ये नीचे वाली कहानी बताई देर वॉजिश इन दर्फिस ऑफ किंग कभी एक समय एक राजा की सेवा में एक दरविश हुआ करता था किंग यूज टू गिव यूम पीस ऑफ केक एंड बाउल ऑफ हनी डेली तो राजा उन्हें रोज एक केक का टुकड़ा और एक पात्र में मधु देता था दरविश टू ईट दुट द हनी इन टू अरविश क्या करता था रोज केक खाता था और वो मधु जो है वो एक जार में एक पात्र में रख देता था विच ईलिड अपॉन और ये पात्र वो हमेशा अपने सर के ऊपर लेकर चलता था हनी हवर इन दोस्व मतलब कीमती उन दिनों मधु बहुत कीमती था वन डे दरविश नोटिसिंग दैट इज जार वॉज नियरलीफुलिस हनी वु इन द मार्केट तो एक दिन दरविश ने देखा कि इस जार में मधु जमा करते करते उनका जार मधु से भर गया है तो उन दिनों मधु बहुत कीमती होता था तो ये दरविश सपने में देखने लगा कि जब वो अपना मधु को बाजार में बेचेगा तो उनको कितना पैसा मिलेगा ये ड्रीम ये सपना वो देखने लगा आई एम गोइंग टू सेल माई हनी फॉर अ पीस ऑफ गोल्ड एंड बाई 10 शिप तो दरवीज सोचने लगा कि मैं क्या करूँगा मैं अपना जो हनी है वो सोने का सिक्का के बदले में मैं खरीदूंगा और उससे मैं दस शिप खरीदूँगा ऑल ऑफ विच इज गोइंग टू बर्थ टू लैम्स सो दैट इन द कोर्स ऑफ वन ईयर आई एम गोइंग टू तो ये सारे शिप क्या करेंगे लैम्स का जन्म देंगे तो इस तरह से मुझे एक साल में बीस शीप हो जाएगा देन फॉर श्योर देअ नंबर विल स्टेडली इनक्रीज उसके बाद देखो स्टेडली मतलब लगातार इसके बाद क्या होगा इनके नंबर श्योरली लगातार बढ़ते जाएगा एंड इन फोर ईयर्स आई शैल बी दंड्रेड तो चालीस और, और चार साल में मैं चालीस शीप का मालिक बन जाऊंगा आई शेल देन बाई एंड एन ऑक्स एंडवा पीस ऑफ लैंड तो फिर मैं क्या करूँगा इन शीप्स को बेचकर एक गाय और एक ऑक्स खरीद लूंगा और फिर मैं एक पीस ऑफ लैंड मतलब एक जमीन का टुकड़ा भी खरीद लूंगा माई काउ विल गिव बर्थ टू की जन्म देगा जो सांड है ox है, उससे मैं अपनी जमीन को प्लाव करूंगा, मतलब हल चलाऊंगा वेल विल प्रोवाइड मी विद मिल्क जबकि ये गाय जो है वो मुझे दूध देंगे इन फाइव टाइम नंबर ऑफ माइ तो पांच साल में मेरे जो ये गाय और सांड है उनके भी संख्या कंसीडरेबली मतलब काफ़ी हद तक बढ़ गया होगा एंड आई शेल बी दी प्रोजेसर मतलब मालिक और मैं बहुत बड़ा पैसों का वेल्थ का मैं मालिक बन जाऊँगा आई शेल देन बिल्ड अ मैग्निफिस मतलब शानदार फिर मैं एक शानदार घर बनाऊँगा एक्वायर मतलब प्राप्त करूँगा स्लेब्स नौकर और मेड सर्वेंट मतलब औरत नौकर एंड मैरी ए ब्यूटिफुल वुमेन ऑफ नोबल डिसेंट और फिर मैं नोबल डिसेंट मतलब अच्छे खानदान के मैं एक अच्छे खानदान की खूबसूरत औरत से शादी करूँगा शी विल बीर मी शांतो ये औरत से मुझे एक बेटा मिलेगा robust मतलब और रोबस्ट मतलब ताकतवर और स्वास्थ्य से अच्छा एक बेटा मुझे मिलेगा एंड ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल चाइल्ड और ये बच्चा बहुत खूबसूरत भी होगा लकी मोमेंट ऑफ हिज बर्थ जब वो जन्मेगा आसमान में उसका किस्मत चमकाने वाला एक सितारा चमकता होगा एंड ही विल बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड और ये बच्चा बहुत खुश होगा और सारे आशीर्वाद उसके ऊपर होगा एंड मतलब ब्रिंग मेरे नाम, मेरे नाम को वो सम्मानित करेगा शुड यू हाव एवर रिफ्यूज लेकिन अगर वो ओबेमी मतलब मुझे मेरी बात मानने से इनकार कर देता है आई बीट हिम स्टिक दस्ट मैं इस तरह से उसको लाठी से पीटूंगा ये कह के दरविश क्या करता है दरविश अपने सपने में वो सोटाप इन ड्रेडीम कॉटा मतलब खो गया था वो अपने सपने में इतना खो गया था दैट ही इ रेजिक वो अपना लाठी उठा लिया और इस लाठी से सपने के अंदर वो जार को मार दिया और उसकी जार टूट द जार ऑफ हनी अलॉन्ग लॉस्ट इस तरह से उनका जो दिन में वो सपना देख रहा था वो भी चला गया उसकी हनी की जार जो है वो भी चला गया तो अब देखो ये उसकी बीवी कहती है आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी कंटिन्यूड द वाइफ ऑफ द पायस मतलब जो पूजा पाठ करता है तो ये जो पूजा पाठ करने वाला आदमी है उसके बीवी ने कहा कि देखिए मैंने आपको ये कहानी कहा जस्ट टू गिव लेसन दैट इट इज नॉट वाइट वाइज टू स्पीक थिंग्स दैट आर अनसर्टन तो मैंने आपको ये कहानी कहा आपको ये सबक देने के लिए कि जो चीज अनिश्चित है उसके बारे में पहले से बात करना ठीक नहीं है रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ किंग सोलोमन तो किंग सोलोमन जो महान राजा थे उनके शब्दों को याद रखिए डू नॉट बोस्ट योर सेल्फ खुद बोस्ट मतलब अहंकार से कुछ ना कहिए फॉर यू डू नॉट नो वॉट विल हैपन टू यू नेक्स्ट क्योंकि आप ही को किसी को पता नहीं चलता है कि अगला ही पल उसके साथ क्या होगा तो चलो ये वीडियो इतना तक रहने दो आई विल डू दी एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो ओके थैंक यू सो मच